हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद यतिमन। केवीएस से अब जो है वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर माह से वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाती है, हर जगह से वैकेंसी आएगी। आप लोग नजर रखिएगा, आपके स्टेट में, आपके जिले से यदि वैकेंसी आती है तो जरूर फॉर्म फिल करें। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिना एग्जाम के आप लोग यहाँ शिक्षक बन सकते हैं। 26 सितंबर को इंटरव्यू की डेट रखी गई है। दिए गए टाइम पर आप लोग स्कूल में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचे। बाल वाटिका टीचर्स प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, जहां पर योग्यता मांगी गई है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास या इसके समकक्ष अगर कोई योग्यता है 50% अंकों के साथ में, तो आप यहां पर जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन मांगा गया है, साथ में एनटीटी कोर्स आपने किया है या आपने डीईसीई एड किया है या आपने 2 साल का अगर बीएड नर्सरी कोर्स किया है तो भी आप यहां पर एलिजिबल रहते हैं और इंटरव्यू के लिए दिए गए डेट और टाइम पर जा सकते हैं। 26 सितंबर को ही जो है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। इंटरव्यू रहेगा ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेटर अगर आपने किया है या आपने यहाँ पर बीएड जनरल से किया है और 1 साल का आपके पास स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है। बीएड अगर आपने जनरल से किया है और आपके पास 2 सालों का अगर डिप्लोमा है या आपने बीएड जनरल से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में है। इसके अलावा और भी कई जो हैं ऑप्शन हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट जो है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है केवल स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप यहाँ एलिजिबल रहते हैं। सेकेंडरी लेवल यानी 12th अगर आपने किया है और ट्रेनिंग कोर्स किया है विजुअल इम्पेयरमेंट में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बीए बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट या फिर इसके समकक्ष अगर कोई आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि अप्रूव्ड बाय आरसीआई के द्वारा, तो भी आप यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए योग्य रहते हैं और आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है केंद्रीय विद्यालय पटियाला कैंट, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से वैकेंसी है पटियाला कैंट। नोटिस फॉर वॉक इन इंटरव्यू, केवल इंटरव्यू रहेगा, कोई एग्जाम नहीं होगा और आपका जो है अभी पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा, बट आप यहाँ पर अगर अच्छा वर्क करते हैं तो आप यहाँ पर बने रहते हैं। फॉर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट प्लीज विजिट अवर वेबसाइट, ये इसकी मेन वेबसाइट है। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग एप्लीकेशन, आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भर के और अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में और एक सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी यानी अपनी मार्कशीट की जो है फोटो कॉपी जो है आप लोग खुद अपने साइन करके उस पर और लेकर जाएंगे साथ में दिए गए डेट और टाइम पर। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एक जो है आप लोग अपना आईडी कार्ड जो है वो लेके जाएं। तो यहाँ पर इसकी जो मेन वेबसाइट है, ये इसकी मेन वेबसाइट है, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पटियाला कैंट चंडीगढ़, यहाँ से वैकेंसी है। जितने भी स्टूडेंट चंडीगढ़ के हैं पटियाला के हैं तो प्लीज यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं और ये जो है मौका आप ना छोड़ें। परमानेंट जब वैकेंसी आती है सबसे ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा। अनाउंसमेंट सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे ऊपर वॉक इन इंटरव्यू नोटिस फॉर बाल वाटिका टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर, 20 सितंबर को यह पब्लिश हुआ है और 26 सितंबर को इंटरव्यू रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और भी देखने के लिए सेकंड नंबर का जो सीरियल नंबर सेकंड है टाइटल, इस पर आप क्लिक करके इसे भी डाउनलोड करके इस पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो ये 5 नंबर जो है सीरियल नंबर 5 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर बाल वाटिका, तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, इसे डाउनलोड कर लेंगे भर के और दिए गए डेट और समय पर आप लोगों को पहुंच जाना है स्कूल में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।